नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं किशन महल का टूर करने के लिए। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बंदवारेटा के जस्ट पास में ही किशन महल स्थित है, तो दोस्तों आज हम किशन महल का टूर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम किशन महल की तरफ चलते हैं। यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर किशन महल बना हुआ है। आप यहाँ से रास्ता देख सकते हैं वहाँ तक जाने का कि कितना कठिन रास्ता है। खंडहरों से बना हुआ रास्ता है पूरा ही पूरा। ये देख सकते हैं आप कि पुराने पत्थर हैं, उनसे यहाँ तक का पहुँचने का जो रास्ता है वो बनाया हुआ है। किशन महल है वह पूरा ही पूरा पहाड़ी क्षेत्र में आ जाता है, इसीलिए यहाँ का जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं किशन महल के पास। चलिए दोस्तों, और नज़दीक चलते हैं इसके। तो दोस्तों, और हम आ चुके हैं किशन महल के नज़दीक। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो शायद किशन महल की निगरानी के लिए यहाँ पर बैठे होंगे। चलिए दोस्तों, हम इसके अंदर चलते हैं। ये पालीडांग के अंतर्गत आता है, किशन महल है जो पालीडांग के अंतर्गत आता है, यानी कि डांग क्षेत्र है। तो दोस्तों, ये है किशन महल, एक राजमहल जैसा प्रतीत हो रहा है। इसके अंदर जाने की हमको अनुमति नहीं मिली है, वरना मैं आपको इसके अंदर ले जाकर इसके बारे में और अच्छे से जानकारी देता, लेकिन मैं बाहर से आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एक राजभवन जैसा लग रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किशन महल के अंदर जो चिमनियों की दीवार है वह पुराने ज़माने में मसालों को जलाने के लिए काम में लिया करती थी। किशन महल का जो निर्माण है वह महाराजा किशन सिंह के द्वारा करवाया गया था। किशन महल के अंदर आपको महाराजाओं की जो सभा है वह देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको कपड़े की दीवार भी देखने को मिलती है। चलिए, मैं आपको एक कटिनार की स्त्री के बारे में जानकारी देता हूँ। दोस्तों, ये है कटिनार की स्त्री, जिसकी मूर्ति आज भी यहाँ पे बनी हुई है। ये है किशन महल की जो सेना हुआ करती थी, वह यहाँ पर प्रशिक्षण लिया करती थी, जो कि किशन महल के पीछे बना हुआ है। ये जो आपको सामने दिख रहा है पूरा की पूरा बंदवारेटा के क्षेत्र आ जाता है। जो महाराजा किशन सिंह हुआ करते थे वो यहाँ पर शिकार वगैरह किया करते होंगे। अभी तो बंदवारेटा में पानी कम है, वरना पानी किशन महल की जो दीवारें उनसे लग जाता था। तो दोस्तों, ये है पूरा की पूरा बंदवारेटा, और इसी के जस्ट साइड में है किशन महल। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किशन महल के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किशन महल के जस्ट पास में ही बंदवारेटा भी बना हुआ है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप कि ये किशन महल का पूरा क्षेत्र आ जाता है। ये पास में ही बंदवारेटा है। तो दोस्तों, ये हो जाती है हमारी किशन सिंह के किशन महल के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना।